हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम आना। अगर आप तैयारी कर रहे हैं एनडीए की, सीडीएस की और आगामी आने वाले जो एग्जाम है उसको अगर आप फोकस कर रहे हैं, तो इसमें जो प्रॉब्लम आती है, जो हमारे पास क्वेरीज आती है, वो रिगार्डिंग आती है जीएस के लिए। तो जीएस और करंट अफेयर के लिए लास्ट में स्टूडेंट्स यही बोलते हैं कि हम लोग इस पे कैसे करंट अफेयर को तैयार करें और जीएस के पोर्शन को कैसे तैयार करें। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि अगर आप NDA-2019 को फोकस कर रहे हैं या CDS-2018 का जो पेपर अभी होने वाला है या 19 को जो पेपर होंगे, अगर उसे आप फोकस कर रहे हैं तो यहाँ पे जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि GS को करंट अफेयर के थ्रू कैसे लिंकअप करें, ये मैं आज आपको बताऊंगा। और इससे जिसमें आपको कम नॉलेज में आप क्या कर सके, इसमें करंट अफेयर के थ्रू अपने जीएस को प्रिपेयर भी कर सके और कम समय में, और इसको रिवाइज करने के क्या क्या तरीके हो सकते हैं, ये मैं आज आपको बताऊंगा। कैसे, यहाँ पे समझिए कि अगर हमारे पास जीएस है, जीएस में अगर टॉपिक्स हम देखें तो हमारे पास है हिस्ट्री है, पॉलिटी है, इकोनॉमिक्स है, ज्योग्राफी है, इवन इसके करंट अफेयर खुद भाई है, और इसके अलावा देखिए यहाँ पे साइंस के भी। अब इतनी टॉपिक को एक साथ कवर करना थोड़ा मुश्किल होता है, कौन से क्वेश्चन बनेंगे, कौन से क्वेश्चन आएंगे और इस पे रिवाइज कैसे करना है, वो मैं आपको यहाँ पे बताने जा रहा हूँ। तो फ्रेंड्स, अगर देखें तो हमारे पास जीएस है, जीएस अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप क्या कर सकते हो, करंट अफेयर को ठीक से पढ़ और समझ सकते हो न्यूज़पेपर के। बट इससे कैसे क्वेश्चंस हम अपने जीएस से कर सकते हैं, कम समय में रिवाइज कैसे कर सकते हैं, वो यहाँ देख सकते हैं कि अगर हम क्या करें, करंट अफेयर को अपने सेंटर में रखें और इसको सेंटर में रख करके हम क्या करें, हिस्ट्री से इसको कैसे लिंकअप करें, ज्योग्राफी से कैसे लिंकअप करें, पॉलिटी से कैसे लिंकअप करें, साइंस से कैसे लिंकअप करें और इकोनॉमिक्स से कैसे लिंकअप करके इसे पढ़ें कि कम समय में हम क्या करें, इस पे मार्क्स जो है हम ज्यादा से ज्यादा जीएस क्वेश्चन में उठा सकें। तो इसके देखिए मैं आपको तरीके बता रहा हूँ। जैसे अगर हमने क्या किया, करंट अफेयर का कोई एक पॉइंट लिया और उस पे करंट अफेयर कोई एक पॉइंट लेना है, उसको लिंक करना है, देखना है कि क्या उसका हिस्ट्रिकल एस्पेक्ट क्या था, उसका ज्योग्राफिकल एस्पेक्ट क्या था, उसका पॉलिटिकल एस्पेक्ट क्या है, और अगर साइंस से कोई भी पॉइंट रिलेटेड है तो मुझे करंट अफेयर में पढ़ना है और क्या करना है, उसे जाकर साइंस से रिलेट करना है, इवन जा करके उसका इकोनॉमिकल बैकग्राउंड देखना है, इकोनॉमिकल बैकग्राउंड क्या हो सकता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं आपको बताना चाहता हूँ एक एग्जाम्पल के थ्रू, अगर मैं यहाँ बताऊँ, जैसे अगर यहाँ पे हम एग्जाम्पल लें, फ्रेंड्स आप सबने सुना होगा पूरे वर्ल्ड की जो सबसे बड़ी स्टैचू है वो है स्टैचू ऑफ यूनिटी, जो कि अब हमारे भारत देश में है। अगर हम देखें यहाँ पे स्टैचू ऑफ यूनिटी को, ये जो क्वेश्चन है वो है करंट अफेयर का, तो हमने क्या किया, करंट अफेयर का एक क्वेश्चन लिया जिसपे हमने कहा कि ये है स्टैचू ऑफ यूनिटी। अब हमें देखना है कि इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है, तो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखें जाकर के, तो जो स्टैचू ऑफ यूनिटी है वो बनी है वो किसकी है, वो है सरदार वल्लभ भाई पटेल की। तो हमें फ्रेंड्स क्या करना है, यहाँ पे करंट अफेयर से अपने हिस्ट्री में जाना है और यहाँ पे जाकर हमें देखना होगा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में हमें पढ़ना होगा और हमारे हिस्ट्री में इनके योगदान क्या थे वो हमें क्या होगा देखना पड़ेगा। जैसे अगर हमने क्या किया, सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में देखा, तो नॉर्मली हमें क्या करना है, जाकर देखना है इनका बर्थ कहाँ पे हुआ है, 1875 से लेकर 1950 में, इनके बारे में बहुत डिटेल आपको नहीं जानना है। फिर हमें देखना है कि ये बर्थ देखें, ये अगर हिस्ट्री में जाए तो ये हमारे पास क्या थे, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर थे, और उसके अलावा देखें तो आगे हम जाए 1918 में जो खेड़ा का आंदोलन था, 1928 में जाए जो बरदौली का आंदोलन था, और उसके अलावा जो हिस्ट्री में सबसे बड़ा इनका जो काम था वो था कि इंडिया को यूनाइट करने का, जिसमें 13 सितंबर 1948 में जो एक्शन पुलिस एक्शन से इन्होंने क्या किया, अपने इंडिया को यूनाइट करने का काम किया। उसके अलावा फ्रेंड्स, अगर स्टैचू ऑफ यूनिटी के थ्रू अगर हम चाहे तो इनको पॉलिटी के थ्रू पढ़ सकते हैं। यहाँ पे अगर हिस्टोरिकल हमने देखा कि यहाँ पे सरदार वल्लभ भाई पटेल का जो योगदान क्या था, वो कौन थे और हमारे हिस्ट्री में वो कैसे रिलेटेड थे। फिर अगर हम देखें पॉलिटिकल व्यू आप देखें, तो पॉलिटिकल व्यू अगर देखें तो सरदार वल्लभ भाई पटेल का जो पॉलिटिकल व्यू क्या था कि इंडिया के स्टेट्स को या इंडिया के जितने भी एरिया थे उसको क्या किया, यूनाइट किया। फिर इसके बाद कॉन्सेप्ट आता है स्टेट्स का, अगर स्टेट्स का कॉन्सेप्ट आए तो आपको देखना है
क्वालिटी में जाकर के इनके थ्रू जो स्टेट्स के स्टेट्स बने उसके लिए आर्टिकल कौन सी अवेलेबल है हमारे यहाँ। तो फ्रेंड्स ये अगर इस तरह से देखें तो हम पॉलिटिकल भी पढ़ सकते हैं, और अगर यहाँ पर हम जाकर के इनका अगर ज्योग्राफी से इसको रिलेट कर सकते हैं, कैसे ज्योग्राफी से इसको रिलेट करने के लिए अगर हम देखें तो हम यहाँ पे देखें कि जो स्टेट स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है वो बनी कहाँ पे, तो यहाँ पे देखें स्टेट स्टेट में कहाँ पे है, गुजरात में। गुजरात में कहाँ पे, यहाँ पे केवड़िया कॉलोनी है। केवड़िया कॉलोनी में ये 100 किलोमीटर साउथ ईस्ट ऑफ यहाँ पे वडोदरा से है। और अगर देखें तो जो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है वो बनी है रिवर आइसलैंड पे, ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। उसके अलावा यहाँ पे अगर देखें ये बनी है रिवर कौन सी है, नर्मदा रिवर पर। तो फ्रेंड्स इसको हमने क्या किया, एक हमने करंट अफेयर के पॉइंट उठाया और उससे हमने क्या किया, हिस्ट्री से, ज्योग्राफी से, क्वालिटी से। क्वालिटी से कैसे उठा सकते हैं, यहाँ पे स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है वो है 182 मीटर लॉन्ग है, लंबाई इसकी 182 मीटर। क्यों है, क्योंकि यहाँ पे जो लोकसभा में सीटें हैं वो टोटल कितनी है, 182 मीटर है, इसलिए क्या है। अब अगर देखें इस जो करंट में पूछ सकता है वो क्या पूछ सकता है कि ये जो बिल्डिंग है, जो ये स्टैचू है वो किसने बनाया। तो यहाँ पे अगर देखें तो यहाँ पे लॉरेंस एंड टर्बो कंपनी है, उसने क्या किया था, इसका कॉन्ट्रैक्ट लिया था। और जो डिजाइनर थे यहाँ पे, जो डिजाइन करने वाले वो कौन थे, यहाँ पे रामा वी सुधार थे। फ्रेंड्स अगर अपने करेंट अफेयर को आप इस तरह से तैयार करते हो तो आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, क्वालिटी रिवाइज करने में और आप देख सकते हो, एक्सपेक्ट कर सकते हो कौन क्वेश्चन हमारे यहाँ आगे आने वाले एग्जाम में पूछ सकता है। फ्रेंड्स अगर यहाँ पे करंट अफेयर से अगर हम देखें तो जो हमारे ये पॉइंट है इस पे साइंस टेक का, इससे हम कैसे साइंस टेक में आप देखो तो डिफेंस डिफेंस से रिलेटेड क्वेश्चन आपके एनडीए में और सीरियस एग्जाम में ज्यादातर पूछे जाते हैं यहाँ से। तो उसे भी क्या कर सकते हैं, करंट अफेयर से लेकर उसको साइंस से जोड़ करके हम क्या कर सकते हैं, उसके टेक्नोलॉजी के उसके बारे में पढ़ सकते हैं। फ्रेंड्स अगर ऐसे हम चाहें तो अब इसको इकोनॉमिक्स भी जोड़ सकते हैं, कैसे, अगर हम इसी के एग्जांपल लें कि स्टैच्यू ऑफ यूनिटी इसका इकोनॉमिकल बैकग्राउंड क्या हो सकता है, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि टूरिज्म को क्या कर सकता है, ये ज्यादा से ज्यादा अट्रैक्ट करेगा और इस तरह से क्या होगा, जो गुजरात है उसका डेवलपमेंट और ज्यादा हो सकता है और जिस एरिया में बना है उसका भी डेवलपमेंट ज्यादा होगा और हमें विदेशी मुद्रा वो ज्यादा से ज्यादा मिल सकती है। इसको आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाना चाहूंगा। अगर हम देखें उत्तर प्रदेश यूपी, यूपी में एक एरिया था जिसका नाम था इलाहाबाद, नाम चेंज कर दिया वहां की गवर्नमेंट ने, उसका नाम रख दिया गया प्रयाग। तो यहाँ पे जो हमारे पास कॉन्सेप्ट है कि प्रयाग, प्रयाग नाम क्यों रखा गया, यहाँ पे हमें देखना पड़ेगा कि यहाँ पे कुंभ लगता है, कुंभ है जो कि अर्ध कुंभ है 6 ईयर में और इसमें फुल कुंभ है वो लगता है 12 ईयर में। अब अगर हमारे पास ये इम्पोर्टेंट नहीं, हमारे जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि इलाहाबाद को अब हम क्या करें, इसको फिर से हम कहाँ लिंकअप करें, करंट अफेयर जिसमें इलाहाबाद को याद कर और लिंकअप करें अपने हिस्ट्री में जाकर के, हिस्ट्री से लिंकअप करेंगे तो इलाहाबाद पहले हम देखें कि इलाहाबाद का नाम क्या था, अगर इलाहाबाद का नाम देखें तो यहीं पे प्रयागराज था और इसका नाम किसने चेंज किया, किसने चेंज किया, तो हमें जाना पड़ेगा हिस्ट्री में, हिस्ट्री में देखना पड़ेगा इसका नाम चेंज करने वाले थे अकबर। अब हमें क्या करना पड़ेगा, अकबर के बारे में डिटेल से हमें पढ़ना पड़ेगा। तो मुगल काल में अकबर के जितने भी काम थे, उन्होंने कौन कौन से किले बनवाए, उन्होंने कौन कौन से युद्ध लड़े, वो भी हमें क्या करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। तो इस तरह से हमें क्या करना है, यहाँ से हमने क्या किया, करंट अफेयर से हम कहाँ पहुंच गए, हिस्ट्री में। अगर फ्रेंड्स आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं और आप अगर मान लीजिए इलाहाबाद के हैं, आपसे पूछता है कि अगर इलाहाबाद का नाम प्रयागराज रख दिया गया तो उससे नुकसान क्या है, फायदे क्या है। फ्रेंड्स अगर हम देखें इलाहाबाद का नाम अगर प्रयागराज रखा गया तो हम अगर देखें यहाँ पे दो नदियां मिलती हैं, अगर गंगा और यमुना केवल मिलती है तो बनता है यहाँ पे प्रयाग। तो क्या किया, अगर हम देखें उत्तराखंड इन समय में क्या हो गई है, नदियां मिल रही है जिनका नाम रखा गया प्रयाग, जैसे रुद्रप्रयाग हुआ। अब इसको क्या किया, वर्ल्ड लेवल पे यहाँ की गवर्नमेंट क्या कर रही है, इसको फेमस कर रही है। अब इसमें क्या होगा, यहाँ से अगर हम इसका इकोनॉमिकल बैकग्राउंड देखें, यहाँ पे टूरिज्म को अट्रैक्ट किया जाएगा। अगर टूरिज्म को अट्रैक्ट किया जाएगा तो इलाहाबाद जो पहले इलाहाबाद था प्रयागराज, इसका इसमें जो मनी है उसको ज्यादा से ज्यादा बाहर की मिल पाएगी और इसके डेवलपमेंट क्या होगा, ऑटोमेटिकली यहाँ पे डेवलपमेंट होगा और यहाँ के जो लोग हैं उनको क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। तो फ्रेंड्स इसको इस एस्पेक्ट में भी हम देख सकते हैं, जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट वो ये है, इसको लिंकअप किससे करना है,
अपने हिस्ट्री से और यहाँ पे ज्योग्राफी से। और अगर आप चाहें जब इसके बारे में देखें, इसका जो ज्योग्राफिकल एस्पेक्ट है वो है यमुना, तो यमुना नीला के बारे में डिटेल से पढ़ लीजिए, ये कहाँ से आ रही है, इसका उद्गम स्थल कहाँ है, कहाँ पे गिरती, कहाँ मिलती है, ये हमें देखना है। और एक रिवर है जिसको हम लोग बोलते हैं गंगा रिवर, तो गंगा रिवर के बारे में डिटेल से पढ़ना है कि इसका ओरिजिन कहाँ है, इसका एंडिंग पॉइंट कहाँ है, और इसमें कौन कौन सी नदियाँ आकर के मिलती हैं और इनके संगम यहाँ पे मिलेंगे। तो फ्रेंड्स ये तरीके अगर आप अप्लाई करते हो तो आपको जो आने वाले आपके एग्जाम है, और इस तरह से अगर आप नोट्स बनाते हो तो जो भी आपके एग्जाम आएंगे उसमें आपको रिवाइज करना और मेन क्वेश्चन की क्या पूछे जा सकते हैं उस पर आप फोकस हो सकते हैं। और अच्छे मार्क्स कैसे लाने हैं जीएस के क्वेश्चन में, अपने एनडीए और सीडीएस के पेपर में, तो आप करना क्या है, आपके पास यहाँ पेपर है, पेपर कम से कम जो है इसमें आपको देने हैं टेस्ट, देने हैं टेस्ट कम से कम जब आपके पास एग्जाम के लिए 15 दिन से एक हफ्ते, या अगर आपकी प्रिपरेशन हो चुकी है, 1 मंथ बचे हैं, 1 मंथ अगर आपके पास है तो आप यहाँ पे क्या करिए, डेली 1 पेपर आपको सॉल्व करने हैं। अगर आपके पास 15 डेज है तो 15 डेज में कम से कम 2 पेपर होने चाहिए, और अगर यहाँ पे 7 डेज आपके पास है तो आपको क्या करनी है, यहाँ पे 3 पेपर्स देने हैं। अगर आप ऐसा करते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको क्या करना है, जब आप पेपर सॉल्व करें तो टाइमर लगा के टाइमर अपनी घड़ी आप सामने रखें, और ऐसे सॉल्व करते हैं इससे क्या होगा कि आप जब एग्जाम देने जाओगे उसमें क्या होगा, आपको लगेगा कि आप नॉर्मली अपना टेस्ट दे रहे हैं, और इस तरह से क्या होगा आपकी प्रिपरेशन अच्छी हो जाएगी। तो फ्रेंड्स आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, आप हमारे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।